हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो आज मैं आपको पॉलिटेक्निक का कुछ सिलेबस जो पता है बताने जा रहा हूँ, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक से है। इस वीडियो में मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक में के जो 10th और 12th लेवल के बेसिस पे सिलेबस जो है वही मैं बताऊँगा, और आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सा और कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका बिहार पॉलिटेक्निक में अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा जो सिलेबस है सारा चीज़ अच्छी तरह से पता चले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस होता है वो मैथ का, वो सब जो होता है वो अलजेब्रा होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज होता है। ये सब जो होते हैं क्वेश्चन, इसमें से स्पेशली 9th और 10th लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा देख लीजिएगा, इसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये जो देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इन सभी से जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन ये सब चैप्टर को जो है ज़्यादा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और ये देखिए लॉगरिथम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब थोड़ा थोड़ा बस पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, देखिए टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ, नंबर सिस्टम, परसेंटेज से भी आते हैं, और एरिया एंड वॉल्यूम। तो मैंने आपको जो जो टिक किया है वो सब आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा मैथ का जो सिलेबस हो। अब चलिए देखते हैं फिजिक्स का सिलेबस क्या होना चाहिए। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो है यूनिट एंड डायमेंशन, स्केल्स एंड मेजरमेंट, और स्केलर एंड वेक्टर, लीनियर मोशन, और जो ये लॉज ऑफ मोशन मीन्स मोशन रिलेटेड जितना भी होगा तो आप देख लीजिए, जो कि स्टैंडर्ड 9 का होता है तो उसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा, फ्रिक्शन, ऑसिलेशन वेव्स, सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लूइड्स, हीट, ऑप्टिक्स से जो होता है वो भी क्वेश्चन आते हैं कुछ, जो आई रिलेटेड होते हैं, और फिर रिफ्रैक्शन वगैरह वो सब जो होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन जो होता है वो आप पढ़ लीजिएगा। और ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी, जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से भी, और ये जो तीन चैप्टर होते हैं इससे अधिकतर सवाल जो है पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा। मॉडर्न फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इन्हीं चैप्टर को आपको देखना है, जो जो मैं आपको बता ही जा रहा हूँ वो सब आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं केमिस्ट्री में क्या था। तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल, तो इसमें आप जो है ये पढ़ लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको, इससे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सब पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो तो आपको पढ़ना ही है ना, हाइड्रोकार्बन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स भी, फिर सरफेस केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्हीं सब से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो आप ये सब जो है पूरी तरह से जो चैप्टर मैं बताऊँ थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका मार्क्स जो अच्छा है, और बिहार पॉलिटेक्निक में जो होता है वो मार्क्स तो नेगेटिव मार्किंग का होता नहीं है, तो आपको कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आप बनाइएगा वो पूरा का पूरा ही करके आए, ताकि आपको जो नहीं आए उससे भी कुछ अगर आ जाए तो बढ़िया है ना। और देखिए जो क्वेश्चन होगा वैसा कैसे होगा, जैसे फिजिक्स जो होगा, फिजिक्स
फिजिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों से 30-30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जिसमें कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये देखिए 90 हमारा क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स रहेगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो ये देखिए 150 मार्क्स तीनों में आएगा, ठीक है, जो कि 450 है। तो टोटल इसमें आपको कितना से प्लस लाना है, मीन्स 300 प्लस लाने का कोशिश करना है। अगर इतना आ गया तो आपका जो कॉलेज होगा वो बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था बिहार पॉलिटेक्निक का जो है सिलेबस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।